नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि हम रुके थे खेरसू से पहले एक अनप्रिडिक्टेबल लोकेशन पे, जो बेहद 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 खूबसूरत थी, और आज हम वहां से बढ़कर पहुंचने वाले हैं खेरसू। तो चलिए, खेरसू में आज रात का नाइट स्टे लेने के बाद वहाँ की अगली खूबसूरत सुबह कैसी हुई देखिए। सुप्रभात मित्रों, खिरसू में हमारी आज की सुबह हो चुकी है और सबसे पहले मुझे लगा उठकर आपको दिखाऊं ये खिरसू का सुंदर दृश्य। सात्विक अग्नि का खेल शुरू हो चुका है। सुबह सुबह वैसे भी थोड़ी सी वर्जिश कर ही लेनी चाहिए। ये है वो गवर्नमेंट गेस्ट हाउस जहाँ पे हमने अपनी कैंपर को पार्क किया है, और ये पीछे है हमारी कैंपर वैन। यार इतनी खूबसूरत जगह है, मतलब क्या बताएं। सुबह सुबह उठ के आज बहुत ही अच्छी धूप निकली है, और धूप के साथ ये जो सामने दृश्य है इसका तो अद्भुत आनंद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिनचर्या खिरसू में। तो चलिए जी, हो चुकी है सुबह और फिलहाल हमारी पैंट्री में नाश्ता बनना शुरू हो चुका है। तो जो दलिया है उसको फ्राई करके सुबह सुबह का जो प्रथम आहार है वो ग्रहण करेंगे, और उसके बाद बनेगा आज का भोजन। और भोजन करने के बाद हम यहाँ से एक नेक्स्ट लोकेशन पे मूव करेंगे जो कि खिरसू में है। एक्चुअली यहाँ पर तो हम कल शाम को लेट हो गए थे इसलिए रुके थे, पर एक्चुअल कैंपिंग के लिए हम यहाँ से जाएंगे एक अन्य स्थान पर जहाँ पर आज रात को रुकेंगे और वहीं पर ही कैंप करके आज नाइट स्पेंड करने वाले हैं। बहुत स्वादिष्ट दलिया और शुद्ध घी के साथ इस खिरसू की वादियों में हम ये आनंद ले रहे हैं। दलिया का बहुत ही आनंद है, बहुत टेस्ट, बहुत अच्छी बनी है। वाह, हमारे साथ यहाँ जो साथ में हम लोग घूम रहे हैं और इस हिमालय की वादियों में बहुत ही अच्छा एक समय गुजर रहा है हमारा और साथ में विवेक भाई के साथ में हमारा कारवां भारत के साथ बहुत ही अच्छा समय गुजर रहा है। अब इसका कोई ये नहीं है कि इसका कोई माप नहीं है, बहुत ही अच्छी। तो चलिए दोस्तों, हमारा फाइनल पैकअप हो गया है और खिरसू के इस गेस्ट हाउस से अब हम निकल रहे हैं। तो यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको भी हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें अनुमति दी यहाँ पर अपनी कैंपर वैन को पार्क करके रुकने की। और खिरसू में ही एक और ऊपर स्थान है तो वहाँ चलते हैं, वहाँ पर आज कैंपिंग मोड पे, मतलब प्रॉपर कैंपिंग मोड पे आएंगे, एक कोई अच्छा स्थान देखेंगे जहाँ से सुंदर हिमालयन पीक्स दिखें, और उम्मीद है कि अच्छा स्थान मिल भी जाएगा। तो चलिए बस बढ़ते हैं आगे खिरसू में ही एक नए कैंपिंग ग्राउंड की तरफ। सो अभी हम अपनी कैंपर वैन में पानी रिफिल कर रहे हैं यहाँ से, मतलब एक पास में गांव, कौन सा गांव है सर ये? पिठुंडी करके एक गांव है, वहां पर आए हैं और हमने आग्रह किया तो यहाँ इस नल से अभी हमारे जो ओवरहेड टैंक है उसमें वाटर रिफिल हो रहा है। सो अभी हम जहाँ पर पानी भरने आए थे वहाँ हमारी मुलाकात, नाम क्या बताया सर? नरेंद्र भाई से हुई, जो गुजरात से आकर इन वादियों के, मतलब ये जगह ना एकदम सेक्लूडेड है, कोई टूरिस्ट फुटफॉल उतना नहीं है, एकदम सेक्लूडेड, एकदम कटा हुआ है शहर से। पर्पसफुली ऐसा ही चूज किया, पर्पसफुली ऐसा ही आपने चूज किया, तो यहाँ पर आके रह रहे हैं और वेरी रिमोट लोकेशन, करेक्ट, और पिछले 2 साल से यहीं पर ही हैं। और इतना सुंदर इन्होंने इस पूरे आशियाने को सजाया है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में इतना सुंदर इन्होंने यहीं के जो मकान थे उसको रिस्टोर करके पूरा, मतलब डेवलप किया है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता हूँ जो मुझे प्रभावित करता है, तो मुझे लगता है कि आपके साथ भी उनके कार्यों को साझा किया जाए। तो एक छोटा सा होम स्टे स्टाइल इन्होंने इसको डेवलप किया है। अगेन मैं इसमें रिपीट करता हूँ, दिस इज नॉट एट ऑल अ कमर्शियल प्रमोशन, सो हम बस आए, हमें अच्छा लगा, इसलिए हमें लगा कि इन चीजों को आपसे साझा करना चाहिए। तो होम स्टे जो इन्होंने डेवलप किया, पहले अपने मित्रों के लिए बनाया और फिर अब जो बाहर से गेस्ट आते हैं वो भी यहाँ आके रुक सकते हैं। तो किस प्रकार से इन्होंने डेवलप किया, क्या क्या है, ये संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर पहले से ही एक चूल्हा बना हुआ था तो हमने उसका थोड़ा ओरिएंटेशन चेंज किया, और बैठने के लिए यहाँ पर कुछ था नहीं बैठने के लिए,
तो ये सब यहीं के लोकल स्टोन से और मिट्टी की ही लिपाई से हमने इसको आसपास बैठ के थोड़ा मतलब आप आग सेक सकते हो उस तरह से डेवलप किया, और इसको हम रेगुलरली यूज भी करते हैं, पानी गर्म करने के लिए, नहाने के लिए पानी यूज कर रहे हैं, पीने के लिए पानी यूज कर रहे हैं, तो वो एक फंक्शनल चीज भी है। और जब आग होती है तो गेस्ट आते हैं या कोई फैमिली फ्रेंड्स आते हैं तो चेयर्स लगा के हम यहाँ पर ही एक छोटा सा गैदरिंग भी कर सकते हैं उस तरह से बना। तो ये दो कमरे थे और बीच में वुडन पार्टीशन था, तो हमने एक किचन और डाइनिंग की रिक्वायरमेंट थी, तो फर्नीचर इसलिए लो रखा क्योंकि बिल्डिंग भी लो है, तो ज्यादा ओपननेस दिखे इस वजह से हमने सिटिंग भी नीचे का ही रखा हुआ है। और इसके साथ ही मेरे ख्याल से किचन अगर आप हाँ, से निकल के आएंगे तो किचन और डाइनिंग दोनों साथ में ही रखा है हमने उसी तरह से, और ट्रैवलर्स के लिए जैसे मैं भी खुद इंक्विजिटिव रहता हूँ तो ये मैप्स वगैरह हम यूं ही कैजुअली रखे हुए हैं कि पीपल कैन रेफर टू इट। और यहीं पर ही हमारी मुलाकात रॉबिन से भी हुई जो ऑस्ट्रेलिया से आके यहाँ पर रह रही हैं और लगभग पिछले दो महीने से यहाँ पेड़ पौधों के बारे में रिसर्च कर रही हैं। हाय रॉबिन, हाउ आर यू? गुड, थैंक यू। सो हाउ यू फील लाइक एंड हाउ यू थॉट लाइक स्टेइंग हियर इन दिस मड हाउस एंड spending so long time here in India and that too in such a remote place? Oh, I love it here. It's a really peaceful place for me and very good for me at the moment. Like I have quite a bit of work I need to get through and it's just been a very good place to be, to relax, to focus on my work. And then, you know, when I get a chance to have a break, I can go for walks around, and the nature around here is really, really beautiful. Some lovely rhododendron forests and oak forests, and going to see different dubas and dabas, just seeing local village life. It's really lovely. So peaceful. Like waking up in the morning and walking out this door and just seeing the sun, like the rising sun come up through over the valley and then shining on the plants and stuff. It's such a lovely way to wake up. I really enjoy it. तो चलिए सर, बहुत-बहुत धन्यवाद, और आने का दोबारा अवसर मिलेगा तो जरूर आएंगे। आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा, हमें बहुत-बहुत-बहुत अच्छा लगा। ठीक है मित्रों, चलते हैं यहाँ से आगे और एक कैंपिंग साइट जो हमने आइडेंटिफाई की थी, जो अभी-अभी आपको बताई थी, वहां चलते हैं और आज का कैंप सेटअप करते हैं। गाड़ी तो स्ट्रेट है एकदम, मैं सोच रहा हूँ हमारी गाड़ी ऐसे आ गई, आपकी गाड़ी वही ऐसे आ जाएगी, ये यही टेंट आ जाएगा। हाँ यहाँ Let's have party now. Oh, क्या बात है सर। Yes. सातू जी, एक सेकंड सातू जी, ओके। ये कैंपिंग साइट्स पे ना, जंगलों में या कहीं भी रिमोट जगह पे जा रहे हैं जहाँ के बारे में आपकी जानकारी नहीं है, तो वहाँ पर घास के बीच में अगर कोई पत्थर उठाना हो, कोई पड़ी हुई लकड़ी उठानी हो, तो बहुत ध्यान से उठाना चाहिए। और ऊपर से उसका तरीका है, पहले आप उसको ऐसे पकड़ के इसको साइड कर दीजिए, उसके बाद यहाँ देख लीजिए कि कोई स्कॉर्पियो, कोई दूसरे कीड़े, ऐसी चीजें पत्थरों के नीचे अपनी वो जगह छुपने की जगह बनाते हैं, तो वो हानि पहुंचा सकते हैं आपको, इसलिए आप उसको पहले उसको हटा के ऐसे कर लीजिए, तब उठाइए उसको और फिर लेके जाइए जहां भी उसको एक जगह जमा करनी है। ओके, यस, पहले देख लीजिए नीचे कुछ है कि नहीं, फिर उसको उठाइए। यस, गुड। ये गन भी सर बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब इतना आसान बना देती है काम को, मतलब फायर के लिए, फायर इग्नाइट करने के लिए ये बहुत ही एक अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छा चीज, और इतना आसान हो जाता है, इतना आसान नहीं तो आग जलाते ही रहो। तो आज हमारी बन रही है मूली की सब्जी इस मौसम में, और बिल्कुल ताजी, अभी हमने जहां से पानी भरा वहां से उन्होंने दी है, और सब्जी के साथ साथ इधर तैयार हो चुकी है एकदम शानदार चाय। चाय तो यार एकदम, मतलब बढ़िया आनंद है,
ब्रेड। ब्रेड कौन खाने वाला है? ब्रेड दादी। मम्मा मुझे तीन दे देना, मुझे तीन नहीं बताऊं क्यों नहीं बताइए, वो मुझसे छोटी है या फिर मैं उससे छोटा हूँ? वो मुझसे छोटी है ना, तो फिर मेरा टमी उससे बड़ा होगा, ठीक है ना, मेरा पेट उससे बड़ा होगा, तो मेरे तीन आ जाएंगे, एक गुना ज्यादा। अरे फिर खाना नहीं खा पाओगे तो इसलिए मैं दो दो दे दिया, अभी दो दो ले लो और थोड़ी सी चाय ले लो। दादी बड़े छोटे में फर्क क्या होता है? मेरा भी पेट एक है, भैया का भी पेट एक है, जैसे पापा चार होते खाते, पापा का भी एक टाइम बना हुआ है और मेरा भी एक टाइम है, भैया का भी एक टाइम है। नहीं ऐसा नहीं, तो पापा आपको मालूम है पापा तो बड़े हैं तो खाना भी आपसे ज्यादा खाते हैं, है ना, और इसी तरह भैया आपसे बड़े हैं तो वो थोड़ा उनका पेट ज्यादा खाना खाते हैं, वो तो आपने तो दादी मैं कम खाना नहीं खाती हूँ। हाँ खाना तो खा लेती हूँ, खाना तो कम नहीं खाती, खाना मुझसे डबल खाती है, कभी तीन खाएगी कभी चार खा लेगी, चार से ज्यादा आगे नहीं। मैं दो खाती हूँ रोटी, ये वाली मूली सर बहुत अच्छी है, मतलब इसमें कांटे आ रहे हैं एक्चुअल में। हाँ, इसके पत्ते थोड़े मोटे होते हैं। हाँ, और पत्तों के नीचे वो कांटे ऐसा थोड़ा ये होता है, रूखे होते हैं, रेशा टाइप जो बोलते हैं, रेशा टाइप रूखे होते हैं। ये जो यहाँ की लोकल मूली है, इसकी मूली भी बहुत झांझ होती है, उसमें काफी मतलब थोड़ी तीखापन ज्यादा होता है। अच्छा, ये मतलब मीठा नहीं होगा ये। इसमें खुशबू भी अलग आ रही है, जैसे नीचे की जो मूली होती है मोटी वाली, उसको आप ऐसे ही नमक डाल के खा सकते हैं। अच्छा, इसको नहीं खा सकते, इसको नहीं खा सकते, ये गोल वाले, इसमें गोल गोल मूली होती है, एक्चुअल में ये काफी मोटी होती है, लेकिन ये जब बर्फ गिरती है उस समय भी अगर इनको नीचे छोड़ दो तो ये दबी रहेंगी। अच्छा, जब बर्फ गल जाएंगी फिर इसके पत्ते आ जाएंगे ऊपर। अच्छा, ये मूली कभी वो अपने काम पर उखाड़ते हैं, बाकी फिर हटाते नहीं है, मूलियां उसी में रहती है खेतों में ही। तो ये गई है इसमें हरी लाल मिर्च, और आपने देख ही लिए थे मूली के पत्ते कटते हुए, और ये आलू ना सबसे ज्यादा आवाज करते हैं। पतली पतली आलू कटी है, छिलके इनकी आवाज सुन के ना भूख वैसे बढ़ जाती है। छिलके के साथ ही कटेगी है, छिलके के साथ ही काटे आपने आलू और मूली के पत्ते और मूली की भुजिया, क्या बात है। तो ये देखिए क्या बढ़िया, एकदम कैंप फायर और कैंप फायर के बाद उसी पे सिकी हुई एकदम शानदार रोटियां। रिपोर्ट कार्ड ये है, सब्जी बहुत टेस्टी बनी है, रोटी गरम गरम बॉन फायर की और भी ज्यादा कुरकुरी, इतनी मस्त रोटी, बहुत यम्मी लग रही है, खा के बताता हूँ एक बार, बहुत टेस्टी है, दिखने में इतनी टेस्टी लग रही है तो खाने में कितनी टेस्टी होगी, यम्मी, बहुत यम्मी है। तो मित्रों इस प्रकार पिठूनी में हमारी रात बेहद खूबसूरत बीती, और आज हमने जहाँ पर कैंप किया है वो एकदम वैली के एज पे है, तो यहाँ की सुबह बहुत हसीन होने वाली है। सुप्रभात मित्रों, और देखिए कितनी अच्छी जगह हमारी आज की सुबह हुई है, एकदम वैली है नीचे और उसके ऊपर एक माउंटेन पीक पे ऑलमोस्ट एक बैंक पे हम लोगों ने कैंप किया था रात को। अभी बजे हैं सुबह के 5:30, बस उजाला होने को ही है। श्रीमती जी और मैं उठ चुके हैं, और आज हम सोए थे इस टाटा सफारी में। शुभ प्रभात सात्विक जी, और ये देखिए आज राजीव जी सोए थे। सर हमने आपको बेटाइम जगा दिया। सुप्रभात जी, सुप्रभात। अरे वाह सर वाह, क्या बात है। कैसी नींद आई सर कैंपर वैन में? बहुत अच्छी, वाह जगह तो बहुत। चलिए जी, तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं, और आज हमें निकल रहे हैं यहाँ से चोपटा, तो दिन थोड़ा सा जल्दी शुरू हुआ है, और ये पुच्चू नहीं उठ रही। पुच्चू
पुच्चू ये देखिए जानबूझ के करती है सब कैमरे के सामने जानबूझ के कैमरे के सामने हाँ, और तुम भी एकदम ना परफेक्ट ब्लॉगर बन गए हो और वैसे ही मुझे मारती रहेगी ओ और वैसे प्यार करेगी कैमरे के ये पुच्चू प्यारी करती है ना हाथ हटा लो मुझे नहीं चलिए उठ जाइए मोटू मोटू उठ जाओ सुप्रभात कर दो सबको और चलिए सुबह सुबह का एक बार 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ देखिए यहाँ हमने अपनी कैंपर्स को पार्क किया है ये है फॉरेस्ट एरिया जो अभी आपको दिख रहा है इधर से मेरे ख्याल से कहीं से होने वाला है सूर्योदय और अब दिल थाम के बैठिए दोस्तों ये है नीचे बहुत ही खूबसूरत वैली अभी हो सकता है पूरा पूर्ण रूप से आपको नहीं दिखाई दे रहा हो पर मैं वापस से एक बार दिखाऊंगा पर ये जो सुबह सुबह का दृश्य है ना यार ये जो वाइब्स हैं यहाँ की बहुत ही अमेजिंग है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है तो ये है पूरा 360 डिग्री व्यू और यहाँ पर आके वापस आ जाती है हमारी कैंपर वैन्स तो चलिए बस आज थोड़ा सा जल्दी निकलना है इसलिए प्रातः आज जल्दी उठना हो गया मैं तो लगभग 4:30 उठ गया था और करते हैं आज की एक्टिविटीज़ शुरू और निकलते हैं यहाँ से चोपटा सो, ये देखिए यहाँ पर लगाया है हमने अपना वॉशरूम टेंट एकदम वैली व्यू के पास है देखिए ये वैली है और आज वैली व्यू लेते लेते ही स्नान होने वाला है तो सात्विक जी करने वाले हैं सर्वप्रथम स्नान बहुत अच्छी बात बता रहे एकदम नंगे पुंगे खड़े हो तो सामने से कैमरा नहीं लगा रखा आ, आ, आ। मैं बस टी-शर्ट उतार रहा हूं ओके तो टी-शर्ट उतार लेते हैं अंतः वस्त्र अब ये आपने पहना हुआ है हाँ। ग्रेट 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 चलिए स्नान करिए जल्दी ओके मेरे पास 15 मिनट है स्नान करने के लिए पूछो और ये देखिए अभी ऊपर एक स्थान था जहां पर मैं आया हूं और थोड़ा सा टॉप एंगल लेने की कोशिश कर रहा हूँ कितना सुंदर दृश्य आ रहा है सामने का तो हो रही है चॉपिंग और आज बनने वाला है सत्तू पराठा सुबह सुबह क्या बात है सर बिहारी डिश खिला रहे हैं आज हमारी श्रीमती जी ने कहा है कि भाई हम आज सत्तू पराठा खिलाएंगे तो उनकी सहायता के लिए हम जो है ये प्याज अदरक और ये सब काट रहे हैं बिल्कुल ताकि ये ना हो कि भैया आपने कोई मदद नहीं की ओहो सर और वैसे सर समझदार व्यक्ति जो है वो सहायता करता ही रहता है बिना पूछे एकदम वरना अभी तो खुश हो सकता है आपके सामने हंस भी ले ये 3 महीने के बाद वो निकलेगी फिर अच्छा आपने वहां ऐसा नहीं किया था सही बात आपने वहां सब मेरे ऊपर छोड़ दिया था सही बात है ये आपने है ना एकदम सही बात चलिए खोद खोद के निकलती है सब बात जब बात निकलेगी तो फिर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी क्या बात तो यहाँ एकदम बढ़िया नजारों का आनंद लेते हुए कट रहे हैं सात्विक जी के नाखून मेरे नाखून ऐसे हैं 3-4 दिन में कम से कम बहुत बड़े हो जाएंगे अच्छा फिर काटने पड़ते हैं 3-4 दिन में बड़े हो जाते हैं तो आज मैंने ये सोचा कि मैं बहुत ही ज्यादा अंदर काट दूंगा तो अभी देखिए कितने सारे काट दिए हैं अभी मैंने एक हाथ के कितने अंदर तक क्या बात है एकदम परफेक्ट कटिंग ये देखो हो गई अभी नहीं बोलेंगी मम्मा क्यों नहीं बोलेंगी मम्मा है मैं झाड़ू लगा रही हूँ आया तो मैं बोलूँगी अभी नहीं बोलेंगे अभी तो होना चाहिए अभी तो एकदम सॉफ्ट स्पोकन रहेंगी कैमरा ऑन है ना ये जो पर्सन कैमरा पकड़े हुए ये कुछ नहीं करते बस होल्ड करके मुझे चलाते रहते हैं है ना सात्विक की गाड़ी कौन चलाता है मैं तब से बोला था कि मुझे गद्दे देना टेंट देना कुछ नहीं दिया है सब भाई के लोग करेंगे ये कुछ नहीं करेंगे तो कैमरा कौन रोल करेगा पापा है लोगों के लिए व्लॉग कौन बनाएगा कैमरा तो मैं भी रोल है ना और गाड़ी कौन चलाएगा कैमरा मैं भी रोल और रात को खाना कौन बनाएगा बताओ एक काम मम्मा क्या कर लेती हैं उसको ना माइक लगा के पूरा गा देती हैं माइक लगा के आप गवा रहे हो मैं तो नहीं गा रही हूँ और क्या तुम ही गा रही हो मैं सामने क्यों आया था बताऊं क्योंकि मम्मा चिल्लाए हाँ क्योंकि मम्मा का दांत असलियत में दिख जाए अच्छा असलियत में दिख जाए है ना हाँ।
वो देखो बुलबुला रही है आओ इधर आओ वाह वाह सुबह सुबह सात्विक जी इतनी आदत पड़ जाएगी मम्मा की डांट नहीं मिले ना तो खाना भी नहीं पचेगा हाँ। तो ये मसाला ऑलमोस्ट फाइनल तैयार हो गया सर हाँ अभी ये हो चुका है अब इसमें मैंने अभी लहसुन प्याज और अदरक की छोटे छोटे काट के मिलाया है इसमें चॉप करके बिल्कुल अब इसको बढ़िया से मिक्स करके ऐसा होना चाहिए सत्तू कि ये बन जाए ओके इतना तेल होना चाहिए इसमें इतना सरसों का तेल इतना सरसों का तेल होना चाहिए क्या बात है अदरवाइज अगर ये भुरभुरा रहेगा तो फिर फट के निकल जाएगा उसमें से ऐसा रहेगा तो फिर वो आटे के साथ मिल जाएगा और बाहर नहीं निकलेगा क्या बात है और देखिए शानदार सत्तू पराठा वाह 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 तो चलिए मित्रों इस बेहद खूबसूरत स्थान से हम विदा लेने के लिए हैं तैयार और यार कुछ जगह ऐसी होती हैं जो आपका मन मोह लेती हैं इस जगह मतलब इतना अच्छा संयोग मिलना इतना फ्लैट ग्राउंड हमें मिला पीछे इतनी खूबसूरत स्टीप वैली हमें मिली ये मतलब आपके आपके दिन को ना बहुत ही अच्छा बहुत ही रोमांचक बना देती हैं मतलब बहुत अच्छा महसूस हुआ ऑल्दो हम इतने लंबे मतलब पिछले लगभग 4.5 महीने से कैंपिंग करते हुए आ रहे हैं उन स्थानों का महत्व अलग प्रकार का था पीछे आप देखिए मतलब बादल फ्लोट कर रहे हैं हम लगभग जो बादल है उसकी हाइट से थोड़ा सा और ऊपर हैं तो इतना अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मतलब मैं अपनी भावनाएं आपके साथ शब्दों में उतने अच्छे से शायद व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं पर हमें यहां पर रुक के वाकई बहुत अच्छा लगा तो इस स्थान से हम विदा ले रहे हैं और आप देख सकते होंगे जिस प्रकार हमने इस स्थान को मतलब इस स्थान पे हम आए थे उसी प्रकार स्वच्छ करके एकदम इस स्थान को जा रहे हैं यहाँ तक कि थोड़ा बहुत जो कूड़ा कचरा इधर उधर के लोगों ने यहाँ पर डाला था उसको भी हम व्यवस्थित जलाकर या जो ऐसा कचरा था थैली वगैरह उसको अपने साथ कैरी करके यहाँ से ले जा रहे हैं और उपयुक्त स्थान पर जाके उसका नियोजन करेंगे तो चलिए आप रखिएगा अपना ख्याल स्वस्थ रहिएगा खुश रहिएगा इस व्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं अगले एपिसोड में अगले व्लॉग में यहाँ से आगे की यात्रा के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात अपना ख्याल रखिएगा नमस्कार।